दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पे फार्मेसी इजी है या फिर डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन मेरे चैनल के ऊपर पता नहीं कितने सारे कमेंट्स पड़े हैं जहाँ पे उन्होंने पूछा है कि फार्मेसी को हम जाए या फिर नहीं, फार्मेसी कोर्स इजी है या फिर डिफिकल्ट, फार्मेसी में एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में कुछ ओवरऑल बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जो मेरा खुद का ओपिनियन है फार्मेसी जो कि मेरी अभी एंड होने को है। तो इसके बारे में आज मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत माफी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे पिछले दो वीक से वीडियोस थोड़ा सा कम आ रहे हैं। पिछले वीक में हमने सिर्फ 3 वीडियो बनाए थे और इस वीक में पता नहीं कितने सारे वीडियो आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये जो हमारे जो कंटिन्यूटी जो था हमारे मिड टर्म के जो एपिसोड्स थे या फिर बाकी के जो वीडियोस हर रोज 2 वीडियो जो आते थे वो आने वाले दिनों में कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो एक सिलेक्शन, मैंने आपको बोला था कि मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था, उस कंपनी में मेरा जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक फोटो भी डाला है जहाँ पे जिस फोटो में मैंने आपके साथ बात की है एग्जैक्टली मेरा उस लिस्ट में कहाँ पे, वो आप कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट जरूर देख लीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाले हूँ यहाँ पे फार्मेसी के बारे में। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग हर रोज पूछते हैं क्योंकि मेरे चैनल जो स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि फार्मेसी कोर्स इजी है या फिर डिफिकल्ट। इसका ऑप्शन या फिर इसका जवाब दो लोग आपको दो तरीके से दे सकते हैं। अगर आप उस इंसान को बोलेंगे जो इंसान यहाँ पे जिसके बैकलॉग होते हैं या फिर जो एटीकेटी से फार्मेसी छूट रहा है तो बोलेगा फार्मेसी बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप कोई टॉपर से पूछेंगे तो वो बोलेगा आपको फार्मेसी बहुत ईजी है। आपको दो आंसर्स मिलेंगे, आपका जो जवाब है फार्मेसी इजी है या फिर डिफिकल्ट, ये जवाब सिर्फ आप खुद को दे सकते हैं। दोस्तों देखिए कौन सी भी चीज इजी है या फिर डिफिकल्ट, उससे पहले जानने से पहले जिस चीज में हम जाने वाले हैं उस चीज में एग्जैक्टली क्या है इसका अगर हमें थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो हम समझ सकते हैं, हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमें खुद की वीक स्नेक्स खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होते हैं तो उस वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फार्मेसी इजी कोर्स है या फिर डिफिकल्ट। यहाँ पे फार्मेसी में एग्जैक्टली होता है कि आज की डेट में अगर आप न्यू सिलेबस के थ्रू आते हैं फार्मेसी को, अगर आप 12th स्टैंडर्ड को अगर आपको मैथ सब्जेक्ट नहीं था तो फार्मेसी को आने के बाद आपको मैथ लेना पड़ेगा। अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में मैथ बायोलॉजी नहीं था तो आपको फर्स्ट ईयर में आने के बाद बायोलॉजी लेना पड़ेगा, यानी आपके जो वीक पॉइंट थे 12th स्टैंडर्ड में उसको आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अगर आपको फार्मेसी को एडमिशन लेना होगा। ये वाइस वर्सा है, जिसको यहाँ पे मेरी मैथ था उसको बायोलॉजी लेना पड़ता है, जिसको बायोलॉजी था उसे फार्मेसी में मैथ लेना पड़ता है। ये सिर्फ एक सिम के लिए होता है, बाकी के सिम नॉर्मल होता है, लेकिन एक सिम के लिए आपको उसकी पढ़ाई करनी ही पड़ती है। दूसरा बात, यहाँ पे फार्मेसी को अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री आपकी बहुत पक्की होनी चाहिए। बेसिक केमिस्ट्री आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पे जो डिफिकल्ट हायर लेवल जो केमिस्ट्री होती है वो आपको थर्ड एंड फाइनल ईयर में होती है, जहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आते हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है कि आपको फार्मेसी को जाना चाहिए या फिर नहीं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा है या फिर बहुत बढ़िया है तो आपको फार्मेसी बहुत इजी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी के में बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है वो बायोलॉजी रिलेटेड है, ह्यूमन एनाटॉमी रिलेटेड है, ह्यूमन डिसीजेस के रिलेटेड पैथोफिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है, और ह्यूमन बॉडी के लिए ड्रग्स के ऊपर फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है। यानी केमिस्ट्री यानी बायोलॉजी आपके बहुत ज्यादा पक्के होने चाहिए। मैथ की जरूरत आपको सिर्फ एक या दो सेम के लिए पड़ती है, जब आपके पास फिजिकल फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट आती है वहां पे आपको कुछ थोड़े बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 70-75% आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन दोनों सब्जेक्ट को पकड़ ही फार्मेसी के नहीं आपके पार हो सकती है। तो यहाँ पे बात आती है कि फार्मेसी हमें इजी जाएगा या फिर डिफिकल्ट, आपको खुद का एनालाइज करना पड़ेगा दोस्तों, आपको क्या पसंद है आपको क्या पसंद नहीं है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जहाँ पे आपको केमिस्ट्री बहुत पसंद है लेकिन बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप जरूर फार्मेसी को जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी में इंटरेस्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपका अपने आप बिल्ड हो जाता है। मेरा खुद का ये बहुत मानना है कि बायोलॉजी हम जैसे जैसे पढ़ते हैं उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे उसका बढ़ने लगता है। एक बार होता है कि केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो वो इंटरेस्ट बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी के लिए आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बिल्डअप हो सकता है। आप जैसे उसमें डीप जाएंगे जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होगी उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा। तो एक बात तो आप फिक्स हो गई कि आपको बायोलॉजी कैसे हैंडल करना है। केमिस्ट्री अगर आप बात करेंगे, अगर आपको आप ऐसे स्टूडेंट है जिनको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन वो बेसिक चीजें आती है तो आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर यहाँ पे पार हो जाएगा, मेरी खुद की गारंटी है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको
प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कितने भी बड़े बड़ा स्ट्रक्चर हो उसकी एक बेसिक मॉलिटी होती है। केमिस्ट्री में यहाँ पे यहाँ पे कार्बन को चार ही बॉन्ड चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकंड में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट पढ़ रहा हो या फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर का, तो सेम रहता है। यहाँ पे नाइट्रोजन को वही बॉन्ड्स रहेंगे, सल्फर को भी वही बॉन्ड रहेंगे, ऑक्सीजन को भी दो बॉन्ड रहेंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्ट्रक्चर हो या फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर का। तो अगर आपका बेसिक केमिस्ट्री का अच्छा है तो आप धीरे धीरे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अपना खुद का केमिस्ट्री भी अच्छा करके यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी आपको पार लगा सकते हैं। आपकी सिर्फ सीखने की और कुछ करने की जिद होनी चाहिए। ये था आज का वीडियो। मैंने आज की वीडियो में बहुत अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के ऊपर आपके साथ बात करने का ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस चैनल पे आप नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगेन फाइनली आई एम सो सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत कम वीडियोस आज की डेट में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप खुद से वादा करता हूँ, आपसे भी वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो हमारा पूरा जो शेड्यूल था वो धीरे धीरे अपने आप फिर से बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको धीरे धीरे वीडियो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलने लगेगी और आपको हर रोज मेक टॉक के एपिसोड भी आने लगेंगे। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।